हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द टैक्स ट्यूर। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट फाइल कर सकते हो। यस, आप रिटर्न फाइल कर सकते हो आफ्टर ड्यू डेट, लेकिन आपको लेट फीस भरना होगा। लेट फीस अंडर सेक्शन 234F, आपको इंटरेस्ट अप्लीकेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 234A, 234B फॉर एडवांस टैक्स, 234C फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। तो चलिए देखते हैं वो किन सिनेरियो में अप्लीकेबल होगा। अगर आपकी इनकम बिलो एग्जेम्पशन लिमिट है, मींस 2.5 लाख तक है या 2.5 लाख से कम है, तो आपको लेट फीस 0 भरना होगा। लेकिन अभी फर्स्ट सिनेरियो में सपोज आपकी इनकम हो गई 2,51,000, मींस अबव एग्जेम्पशन लिमिट हो गई और आपको डिडक्शन भी है 1,000 का, 251 माइनस 1,000, तो भी आपको लेट फीस लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल इनकम की बात नहीं हुई, यहाँ पे बिलो एग्जेम्पशन लिमिट की बात हुई है। तो सेकेंड सिनेरियो में क्या है कि आपकी टोटल इनकम की बात हुई है, मीन्स आफ्टर डिडक्शन अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है, तो आपको लेट फीस लगेगा 1,000। और थर्ड सिनेरियो क्या है कि आपकी टोटल इनकम मीन्स आफ्टर डिडक्शन अबव 5 लाख है, तो लेट फीस आपको अप्लीकेबल हो 5,000, और इंटरेस्ट भी लगेगा। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी मोर देन 10,000 या 10,000 है, तो आपको एडवांस टैक्स का भी इंटरेस्ट लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू तीनों सिनेरियो में। लाइफ, तो ये आपके ग्रॉस टोटल इनकम है 2,50,000, तो यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी कुछ नहीं है, निल है। जैसे ही मैं इसको चेंज करता हूँ टू लैख 51,000, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्रॉस हो गया, तो आपको 1,000 की लेट फीस लग जाए। लेकिन अभी मैं यहाँ पे अगर डिडक्शन 1,000 का पुट कर देता हूँ, तो भी आपको 1,000 की लेट फीस लगेगी। ये देखिए 251 माइनस 1,000, टोटल इनकम आपका 250 है, तो भी आपको 1,000 लगेगा। मींस इस पे बात हो रही है, फर्स्ट सिनेरियो में आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पे बात हो रही है। सेकंड सिनेरियो क्या बोलता है, सेकंड सिनेरियो है कि बिलो 5 लाख है आफ्टर डिडक्शन, वो देख लेते हैं। सपोज ये 5 लाख है, अप टू 5 लाख है, देखिए इसको भी डिलीट कर देते हैं डिडक्शंस के पहले, देखते हैं और डिडक्शन के बाद चेक करते हैं। डिडक्शन 0, तो आपकी टोटल इनकम 5 लाख है और अप टू 5 लाख है, मीन्स 5 लाख है, तो भी आपको 1,000 लगेगा। ये देखिए 1,000। अब मैं इनकम बढ़ा के 5,50,000 करता हूँ, इनकम 5,50,000, ये अप्लीकेबल होगा क्योंकि अभी हम डिडक्शन नहीं ले रहे हैं, तो टोटल इनकम ये देखिए 32,150 हो गया, क्योंकि इसका कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। 234F 5,000 लगा है, ये देखिए अगर हम डिडक्शन माइनस कर देते हैं इसमें, ये देखिए 50,000 का डिडक्शन पुट कर देते हैं, तो अप टू 5 लाख हो जाएगा, तो 1,000 लेट फीस हो जाएगी। ये देखिए लेट फीस आपकी 1,000 हो गई, और क्योंकि आपकी जो इनकम है टोटल इनकम वो बिलो 5 लाख हो रही है, अप टू 5 लाख है, तो आपको रिबेट मिल जाता है सीधा। ये देखिए 12,500 टैक्स लगा, उतना आपको रिबेट मिल गया अंडर सेक्शन 87A,
क्योंकि फर्स्ट केस में क्या हुआ कि आपकी जो इनकम है वो टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा हो रही है, तो 12,500 तो वैसे ही टैक्स लग गया, प्लस 234A, 234B, 234C एंड 234F का, इसलिए ज़्यादा हो रहा था। यही सिनेरियो है कि अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो 0 है, फिर ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की बात हो रही है फर्स्ट सिनेरियो में। सेकंड सिनेरियो में टोटल इनकम की बात हो रही है, मीन्स आफ्टर डिडक्शन। आफ्टर डिडक्शन अगर बिलो 5 लाख है तो 1,000 लगेगा, और अबव 5 लाख है आफ्टर डिडक्शन तो 5,000 लगेगा। अबव 5 लाख का आफ्टर डिडक्शन भी देख लेते हैं, इसमें 5 लाख 50 माइनस 50 5 लाख है, अभी 10,000 बढ़ा के देख लेते हैं। देखिए ये देखिए, 5 लाख 10,000 माइनस 50,000, टोटल इनकम आपकी बिलो 5 लाख है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको रिबेट मिल गया। अभी हम इसको बढ़ा के देखते हैं, टोटल इनकम आपको 5 लाख के ऊपर करना है, तो उसमें बिलो 5 लाख हो गया इसलिए आफ्टर डिडक्शन इसको हम 570 कर देते हैं। देखिए आपकी टैक्स लाइबिलिटी 24,902 हो गई, क्यों हो गई उसका कैलकुलेशन देखते हैं। आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 5,70,000, टोटल डिडक्शन 50,000, ATC में जो भी मिला 5,20,000 टोटल, क्योंकि ये इनकम आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा हो गई इसलिए आपको रिबेट नहीं मिलेगा। तो बेसिक टैक्स 16,500 मिला, उसमें आपको रिबेट नहीं मिला क्योंकि वो 5 लाख से ज़्यादा हो गया। तो टोटल इसमें एजुकेशन सेस लग गया 4%, तो 17,160 आ गया। तो अब क्या लगेगा, बैलेंस टैक्स आफ्टर रिलीफ 234A, इंटरेस्ट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ लगेगा, 234B एप्लीकेबल व्हेन देयर इज अ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स क्यों लगा, क्योंकि अब टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज़्यादा क्रॉस हो रही है। 234C व्हेन देयर इज अ शॉर्ट फॉल पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स पेमेंट कम किया अपने, किया ही नहीं तो इसलिए वो सब इंटरेस्ट अप्लीकेबल हो गया। तो 234F में 5,000 वो लग गया क्योंकि ये 5 लाख से ज़्यादा हो रहा है टोटल इनकम। ये देखिए अगर यही 5 लाख से कम होता तो बेनिफिट क्या था, आपको ATC में रिबेट भी मिल जाता और आपकी लेट फीस भी 1,000 ही लगती। तो आप इस तरीके से अपना लेट फीस कैलकुलेट कर सकते हो। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ITR 1 कैसे फाइल करना है वो पूरा डिटेल दिया हुआ है, वो देख सकते हैं। और लेट फीस के रिगार्डिंग ये वीडियो आपके पास तो रहेगी। और आपको एक चीज़ और इसमें करनी है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको ये 139(4) सेलेक्ट करना है, बी लेटर रिटर्न फाइल आफ्टर ड्यू डेट, ये सेलेक्ट करना है। और कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, आप फाइल ITR 1 का वीडियो देख सकते हो। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक क्राइटेरिया पे आपको लेट फीस अप्लीकेबल होगा, लेट फीस लगेगा और इंटरेस्ट लगेगा पर मंथ 234A के अंदर, 234B, 234C, 234F तो लेट फीस है ही। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।